Hello students, how are you? Hope you are in good health and must be studying well. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम समझेंगे डिसऑनर ऑफ बिल. बिल किन कंडीशंस में डिसऑनर होता है. इससे पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने जो ड्रॉवर के पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, चार ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं टू डील विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उन चारों ऑप्शंस को हमने बहुत अच्छे से समझा है और उनकी जनरल एंट्रीज को करी हैं और इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस भी करी हैं. इससे लास्ट वीडियो में हमने रिटायरिंग द बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल इसको समझा है और इसके ऊपर इलस्ट्रेशन करी है और जनरल एंट्रीज करी है. तो आज हम शुरू करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्वेश्चन आता है तो उसमें डिसऑनर ऑफ बिल तो वो देगा ही. तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और समझना. स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, जो ड्रॉई है जिसको अक्सर हम अपने एग्जाम्पल में बी के नाम से भी बोलते हैं, वो इस पोजिशन में नहीं होता कि ड्रॉवर के बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो ऑन टाइम पेमेंट कर पाए. मतलब जब उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल की आती है वो उसको उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता. मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो इंटेंशनली ऐसा करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्यारा होता तो वो अपनी रेपुटेशन प्यारी होती है. अगर एक दफ़े इस तरह से बिल्स डिसऑनर हो जाते हैं तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन ख़राब होती है और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ख़त्म हो जाती है. तो उसके कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं या कुछ मजबूरी होती है तो वो अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पर नहीं कर पाता. ऐसे में ड्रॉवर क्या करता है, उसको एक प्रूफ चाहिए होता है कि उसका बिल डिसऑनर हो गया है. वो नोटरी पब्लिक के पास जाता है. नोटरी पब्लिक जो है स्टूडेंट्स कोर्ट का एक छोटा ऑफिस होता है. ही प्रेजेंट्स द बिल टू द नोटरी पब्लिक एंड गेट द डिसऑनर्ड बिल नोटेड. नोटरी पब्लिक पर जाना ड्रॉवर के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो टू द नोटरी पब्लिक एंड गेट द डिसऑनर्ड बिल नोटेड. क्योंकि अगर आगे उसका डिस्प्यूट ड्रॉवर के साथ और ज़्यादा बढ़ जाता है तो एज ए प्रूफ वो उसको दिखा सकता है, एज एन एविडेंस वो कोर्ट में इसको प्रेजेंट कर सकता है. नोटरी पब्लिक क्या करेगा, डिसऑनर्ड बिल के ऊपर स्टैम्प लगाएगा, उस पर रीज़न ऑफ डिसऑनर लिखेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी लिखेगा और डेट ऑफ डिसऑनर लिखेगा, और कुछ वो चार्जेस भी लेगा जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस. ये नोटिंग चार्जेस स्टूडेंट्स जो होल्डर ऑफ द बिल है, अगर ड्रॉवर खुद हिमसेल्फ अगर ए इज़ द होल्डर ऑफ द बिल तो ए फिलहाल पेमेंट देगा. अगर उसने एंडोर्स किया हुआ अपने किसी क्रेडिटर को, मान लीजिए जिसको हम सी बोलते हैं, उसको अगर एंडोर्स कर रखा है तो सी जो है वो नोटिंग चार्जेस देगा. और अगर ड्रॉवर ने बिल को अपने बैंक को दिया हुआ है फॉर कलेक्शन पर्पस या फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस, वो नोटिंग चार्जेस देगा. और नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली वो क्या करेगा, ड्रॉवर से कलेक्ट करेगा और ड्रॉवर फाइनली बी को वो डेबिट कर देगा. तो इन सब बातों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. और उस एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम ड्रॉवर के पास जो चारों ऑप्शंस हैं, रिटेन द बिल विद हिमसेल्फ, एंडोर्स इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, इन चारों ऑप्शंस के साथ उस इलस्ट्रेशंस को करेंगे, आपको डिसऑनर ऑफ बिल का कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा. तो मैं इस इलस्ट्रेशन को पढ़ता हूं और इसका एक स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगा देता हूं. इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है. ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹50,000 and on the same day he drew a bill on B at 3 months for the same amount. A ने goods को B को बेचा है और same day उसने bill को B के पास भेज दिया accept करने के लिए, and bill is duly accepted. B ने bill को accept कर लिया but is dishonored on the due date. ये bill जो है dishonor हो गया on the due date. इसका मतलब B जो है payment नहीं कर पाया on the due date. ₹1,000 पेड एज नोटिंग चार्जेस, जो भी होल्डर था बिल का उसने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए. गिव जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट, बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी बाय ए. सेकंड, ए एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ सी इमीडिएटली. थर्ड इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इमीडिएटली. एंड फोर्थ इज बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 12% पर एनम इमीडिएटली. मतलब हमें इनकी जनरल एंट्रीज बनानी है इन चारों केसेस के अंदर. इसमें स्टूडेंट्स डेट का कंसेप्ट नहीं है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव आपको जनरल एंट्रीज को समझाने का है. तो हम स्टेप बाय स्टेप जनरल एंट्रीज को करते हैं. सबसे पहले है बिल रिटेन किया है ए ने अपने पास टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी और बिल डिसऑनर हो गया और ₹1,000 नोटिंग चार्जेस दिए. फर्स्ट टू एंट्रीज तो कॉमन होती हैं तो आपको मालूम ही है. कौन सी होती हैं, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट.
50,000 रुपीज़ से, ये तो कॉमन एंट्री है, आपको रट गई होंगी। और बी भी अपने यहाँ परचेज की एंट्री कर लेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, टू ए को वो क्रेडिट कर देगा क्योंकि ए को पेमेंट देनी है उसने 50,000 रुपीज़ से। सेकेंड एंट्री होगी, ए ने बिल को भेजा और बी ने एक्सेप्ट करके वापस भेज दिया है ए को, तो क्या एंट्री करेगा वो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बी को वो क्रेडिट कर देगा। और बिल्स रिसीवेबल क्योंकि उसके पास आ गया, उसने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। यहाँ पे ए को वो डेबिट कर देगा टू बिल्स पेबल अकाउंट क्योंकि उसने पेमेंट करनी है इस वाउचर के अगेंस्ट में 50,000। ये दोनों एंट्री स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शंस में कॉमन रहेंगी। अब हम एक एक करके हर ऑप्शंस को लेते हैं। पहली ऑप्शंस अवेलेबल थी रिटेन द बिल विद हिमसेल्फ, मतलब ड्रॉवर के पास ही बिल है, एंड गेट द कैश ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। लेकिन कैश तो मिला नहीं, बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया है तो वो क्या करेगा, फिर से अमाउंट बी को डेबिट कर देगा। और ये जो डॉक्यूमेंट इसके पास रखा हुआ है ये तो बेकार हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट बेकार हो गया, तो इसको ये क्रेडिट कर देगा, बी को फिर से डेबिट करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आपने फुल फॉर्म लिखनी है स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं लिखना है, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। टू एक और चीज़ वो डेबिट करेगा, बी को क्या करेगा, उसने जो नोटिंग चार्जेस दिए हैं नोटरी पब्लिक पे, वो दिए हैं उसने 1,000 रुपीज़, टू नोटिंग चार्जेस, 1,000 रुपीज़ ये दिए, 50,000 का बिल ओरिजिनल था, और टोटल जो वो बी को डेबिट करेगा वो 51,000 करेगा। क्लियर है इतना? अब बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसको ए को फिर से पैसे देने और ये नोटिंग चार्जेस भी देना है, तो ये जो बिल्स पेएबल अकाउंट था इसकी तो रिवर्स करेगा, वो बिल्स पेबल अकाउंट को फिर से डेबिट कर देगा। इसके अलावा एक चीज़ वो और डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अब इसको ये भी देने हैं नोटिंग चार्जेस, उसके लिए अब एक्सपेंस बन गया एक नोटिंग चार्जेस, टू ए, ए को अब 51,000 देने हैं, और 50,000 का ओरिजिनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, 1,000 रुपीज नोटिंग चार्जेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है कि बिल जो है ड्रॉवर के पास था टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब अगर सेकंड सिचुएशन आपके पास आती है कि ही एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर, मीन्स जिसको हम सी बोलते हैं, सी को अगर ए ने बिल एंडोर्स कर दिया है और वो बिल डिसऑनर हो गया, तो अब उसकी क्या एंट्री होगी, इसको हम समझते हैं, मैं इसको भी रब करता हूँ। सेकंड सिचुएशन में ए ने ये बिल सी को एंडोर्स कर दिया, सी को एंडोर्स कर दिया तो वो सी अकाउंट को डेबिट कर देगा, टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब पेमेंट लेनी है सी ने बी से, ए का मतलब अब ए पिक्चर से हट गया। अब ये एंट्री बी की बुक्स में तो होगी नहीं, क्योंकि बी को तो पता ही नहीं है कि ए ने ये बिल सी को एंडोर्स कर दिया है। सी अपने बुक्स में कौन सी एंट्री करेगा, इसको आप समझते हैं। सी वही एंट्री करेगा जो ए ने करी थी एंट्री जब उसने बी से बिल रिसीव किया था, मीन्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को वो डेबिट कर देगा, टू ए को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उसके पास ये बिल आ गया, इसके थ्रू पेमेंट होगी 50,000 रुपीज़ से। अब ये बिल डेट ऑफ मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो जाता है, सी नोटिंग चार्जेस पे करता है, और ये सारा का सारा अमाउंट वो ए से रिकवर करेगा। सी अपने बुक में क्या करेगा, ए को डेबिट कर देगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इस एंट्री को रिवर्स करेगा 50,000 से, और जो नोटिंग चार्जेस उसने सी ने दिए हैं उसको भी वो ए से ही रिकवर करेगा, नोटिंग चार्जेस 1,000 रुपीज, और ए को डेबिट कर देगा 51,000 से। क्लियर है?
अब ये बिल आ गया फिर से ए के पास, ए ने बी को डेबिट कर देना ये पूरा का पूरा अमाउंट 51,000 और सी को क्रेडिट दे देना, बी अकाउंट डेबिट टू सी 51,000। क्लियर है स्टूडेंट्स ये एंट्री, बी को वो डेबिट कर देगा पूरे अमाउंट से और सी को क्रेडिट कर देगा 51,000 से। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अलग से नहीं दिखाएगा क्योंकि उसने सी को 51,000 से क्रेडिट कर दिया। अब बी ने कितने पैसे देने हैं, ए को 51,000 रुपीज। इस एंट्री को वो अब उल्टा करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस भी अब उसके लिए एक एक्सपेंस हो गया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। अब अल्टीमेटली पैसे 51,000 देने हैं, 50,000 बेस अमाउंट था, 1,000 रुपीज नोटिंग चार्जेस था और 51,000 से वो एंट्री पास कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ चलेंगे, जब ए ने ड्रॉवर ने बिल को बैंक के पास भेज दिया अपने फॉर कलेक्शन पर्पस। पहली दो एंट्रीज हर सिचुएशन में कॉमन रहेंगी, सिर्फ से यहीं पर ही चेंजेस होगा। अब थर्ड सिचुएशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन पर्पस। ऐसे केस में ए क्या एंट्री करेगा, अपने यहाँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर देगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो बी से जाके पेमेंट लेके आए और ए के अकाउंट में डाले ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी 50,000 से, अमाउंट सब सेम ही है। ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि बी को नहीं मालूम है कि ए ने बिल बैंक को भेज दिया फॉर कलेक्शन पर्पस। अब बिल डिसऑनर हो गया, बैंक ने यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे किया तो बैंक फिर ए से रिकवर करेगा। अब ए अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा इसको देखिए, बी को वो डेबिट कर देगा एंटायर अमाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। देखिए जो यहाँ पे आपने लिखा है उसी को ही आप क्रेडिट करोगे, यहाँ बिल्स रिसीवेबल लिखा था तो उसको आपने क्रेडिट किया था पहले वाले केस में, यहाँ हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिख दिया है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू। अब एक चीज़ और वो डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेस जो उसने बैंक को दे दिए हैं, नोटिंग चार्जेस 50,000, 1,000, 51,000, ठीक है। और इसी तरह बी अपने यहाँ एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा, इस एंट्री को रिवर्स करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस को भी वो डेबिट करेगा टू ए, ए को वो क्रेडिट कर देगा 51,000 से, 1,000 और 50,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे हमारी हर ऑप्शंस में ये वाली जो एंट्री है बी की बुक्स में ये कॉमन ही रहेगी, क्योंकि बी ने फाइनली पेमेंट तो ए को देनी है, उसको सी से या बैंक से मतलब नहीं है, इसलिए ये एंट्री बी की बुक्स में हमेशा कॉमन रहेगी चारों ऑप्शंस में। अब हम जल्दी से फोर्थ ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, इस केस में ए ने इमीडिएटली बैंक से पैसे ले लिए, मतलब उसने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है जो आपके एग्जांपल में दिया हुआ है 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा बैंक, डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा और इमीडिएटली ए को पैसे दे दिए उसने, और बैंक की ड्यूटी फिर होती है कि वो डेट ऑफ मैच्योरिटी पर जाके बी से पैसे लेके आए, पैसे कलेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे बिल हमारा डिसऑनर हो गया है। तो पहले सबसे पहले ए क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ, उसको पैसे मिल गए बैंक से तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने थोड़े से डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए हैं, ये ए के लिए खर्चा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी वो डेबिट करेगा, एक्सपेंस है इसके लिए, कितने लिए हैं वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को वो फिर से क्रेडिट कर देगा। ये कितने का बिल्स, 50,000 का है, 50,000 रुपीज़ पे स्टूडेंट्स बैंक ने कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कलेक्ट किए हैं 12% के हिसाब से, ये 12% हो गया, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए,
क्योंकि बैंक को 3 महीने वेटिंग पीरियड है बैंक के पास, 3 महीने बाद जाके वो लेके आएगा। तो ये हो गया 1500 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 48,500 रुपीज़ बैंक ने इमीडिएटली ए को पैसे दे दिए। अब ये एंट्री बी की बुक्स में तो होगी नहीं, क्योंकि बी को तो पता ही नहीं है कि ए ने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लिया, पैसे इमीडिएट ले लिए। अब बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने दिए हैं, तो बैंक को तो पैसे देने ही है ना ए को, तो बैंक को वो क्रेडिट कर देगा और बी को पूरा अमाउंट वो डेबिट कर देगा। नेक्स्ट एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसने बैंक को पैसे देने हैं, हमने क्रेडिट कर दिया और 51,000 से, और बी से पैसे लेने हैं तो इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया 51,000 से। और बी अपने यहाँ सेम एंट्री करेगा जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, बिल्स पेबल अकाउंट को वो फिर से डेबिट करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी वो डेबिट करेगा, उसके लिए नया खर्चा आ गया एक 2A। ये सेम एंट्री चारों केसेस में स्टूडेंट्स कॉमन रही है हमारी, 50,000, 1,000 और 51,000। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। जो चारों ऑप्शंस ड्रॉवर के पास अवेलेबल होती हैं, हमने उनकी जनरल एंट्रीज को अच्छे से समझ लिया है, और इन केसेस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो उनकी जनरल एंट्रीज को भी हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपने सिर्फ से स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से आती हैं, आप एक दफ़े इसके टेक्निकल टर्म्स को समझ गए तो आप आसानी से विद इन 5 मिनट्स इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक आप इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डाउट अगर है तो उसको क्लियर करिए। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करिए और इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।